तहसील कार्यालय सेगांव में आदिवासी ब्लॉक के अलग अलग गांव से आए आदिवासी समाज जनों ने जिला कलेक्टर के नाम प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्डे को अनुसूचित क्षेत्र की जमीन को गैर आदिवासी लोगों द्वारा अवैधानिक रूप से खरीद फरोख्त तथा गैर संवैधानिक रूप से विक्रय होने से रोकने के लिए आवेदन दिया। आवेदन में ये बताया गया कि जिले की भगवानपुरा, सेगांव, भिकनगांव, झिरनिया, खरगोन एवं महेश्वर तहसील अनुसूचित क्षेत्र में आती है। उक्त अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा विनम्र अपील निवेदन है कि अनुसूचित क्षेत्र में कुछ बाहरी लोगों द्वारा जमीन के अवैध तरीके से खरीद फरोख्त की जा रही है, इसे रोका जाए। अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी समाज के लोग अहिंसक, निसर्गवादी तथा शांति प्रिय लोग हैं। हमारी इस विकराल समस्या का शीघ्र निराकरण कर भूमि कब्जा धारक को मालिकाना हक दिया जाने की मांग की गई। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। गांव बना रहे हैं, गांव में आकर के धमकी दे रहे हैं कि यह जमीन हमारी है, हमें वापस की जाए, तो यह कैसा संभव है? इतनी सारी जमीन अकेली राधाबाई के नाम से जमीन कहाँ से आई है? यही बात आज हमें यहाँ पर कहना है। तहसीलदार महोदय को हमने ज्ञापन दिया, इसमें यही कहा हमने कि आदिवासियों की जमीन आदिवासी के पास रहे, किसी सामान्य क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में उसके ऊपर कब्जा न हो, यही हम मांग लेके आज यहाँ आए। क्या नाम लिखते हैं आप? गुलाब सिंह चौहान, ग्राम भिकारखेड़ी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।